हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी इंडियन। हम लोग बहुत अच्छे से हैं और भगवान की दया से उम्मीद है आप लोग भी मज़े में होंगे। तो देखिए, बहुत खूबसूरत सुबह है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और अभी सुबह के 7 बजे हैं। बस मुझे चाय पीकर निकलना है। आज हमारा एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है तो उसकी मुझे बस उसी का एक PPT रेडी कर रही हूँ और उसके बाद बस निकल जाएंगे ऑफिस में और वहाँ पे प्रेजेंटेशन देकर आई थिंक 10 या 11 हो जाएगा। आते आते प्रेशु को मैं नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि प्रेशु अभी सो रही है, तो होपफुली जब तक मैं वापस आऊँ प्रेशु आराम से सोती रहे। अगर जाग जाएगी, मैं उसे एक्चुअली कभी अकेला नहीं छोड़ती हूँ तो पता नहीं, लेकिन हाँ श्री हैं तो वो मैनेज करेंगे। तो आपसे मिलते हैं ऑफिस से आकर। मुझे लगा था कि 11 बजे कंप्लीट हो जाएगा लेकिन नहीं, आते आते 1 बज गया है। ओके, चल सी यू, बाय। सो मॉर्निंग में बहुत जल्दी ही फंक्शन था तो बस जल्दी से रेडी होके भाग गई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो नाउ आई एम बैक और प्रेशु अपने पापा के साथ है, देखते हैं क्या कर रही है। सी क्या कर रही है। ओह, बोथ आर स्लीपिंग, पापा एंड बेबी। पापा ही कैसे? प्लीज बेबी, प्रेशु इज स्टिल स्लीपिंग। हाउ इज दैट पापा? वेरी नाइस। तो आज लंच में मैं बनाने जा रही हूँ भरवा डोसा। इसमें मैंने क्या किया, बहुत सारी सब्जी इसको ना चॉप कर लिया है छोटा छोटा, जैसे कि कैप्सिकम, अनियन, कैरेट एंड टमाटोज, और उसके बाद उसमें पनीर ग्रेट करके डाल दिया। पनीर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और उसमें मैंने फिर रेड मिर्च पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा एक चुटकी जीरा और हल्का सा चाट मसाला, ये सब ऐड कर दिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें ग्रेटेड चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन आज मैं चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी भी है। तो बस ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है और ये डोसा बैटर में मैंने एक कटोरी राइस में हाफ कटोरी दाल करके मैंने भिगो दिया था, उसको ग्राइंड करके रख दिया था रात में ही, तो ये रात भर पूरा फर्मेंट हुआ है। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, हल्का सा सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि मुझे ना बिल्कुल फीके डोसे अच्छे नहीं लगते, मुझे उसमें हल्का सा नमक अच्छा लगता है। और अब बस जल्दी से हम लोग स्टफिंग भर देते हैं इसमें, तो हमारे स्टफ्ड डोसा रेडी हो जाएंगे। ये सेम वही डोसा, नॉर्मल जैसे मसाला डोसा बनता है ना आलू की स्टफिंग के साथ, इसमें मैंने ये वाली स्टफिंग डाली है। आप डोसा आजकल तो किसी भी चीज़ के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो डोसा था ना खाने में बहुत टेस्टी लगा था, बहुत मज़ा आया था। अंदर की स्टफिंग तो प्रेशु भी ना निकाल निकाल के खा रही थी। और इसमें जो आप डोसा बनाइएगा ना, ये थोड़ा पतला रखिएगा तो डोसा ऊपर से बहुत क्रिस्प और क्रंची हो गया है देखिए, और अंदर जो इसकी स्टफिंग होगी वो बिल्कुल सॉफ्ट पनीर वाली, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग लेवल पर लगेगा। तो आप ज़रूर बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। और इसके साथ मैंने बनाया था सांभर। सांभर बनाने के लिए ना मैंने रात की जो दाल रखी थी, रात की थोड़ी सी दाल बची हुई थी, मैंने उसी में थोड़ा सा इमली पानी मिला दिया था, मिक्स कर दिया इमली का पल्प, और उसके बाद उस दाल में मैंने तड़का लगा लिया। तड़के में मैंने करी पत्ता, मस्टर्ड सीड, जीरा, हींग और बड़ा बड़ा अनियन कट करके उसका मैंने तड़का ऐड कर दिया था, तो वो बिल्कुल सांभर जैसे ही टेस्ट हो गया था। तो अगर आपके पास दाल बची है और आपको सांभर बनाना है जल्दी से तो बस, और हाँ एक चम्मच सांभर पाउडर भी डाला था। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग लंच कर लेते हैं क्योंकि ये डोसा ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और उसको खाते खाते हमें 3:30 बज गया और उसके बाद फिर हमने जल्दी से कॉफ़ी पी। कॉफ़ी भी आज ना सब कुछ बहुत ही टेस्टी बन रहा है, कॉफ़ी भी बिल्कुल सोल सेटिस्फाइंग थी, बिल्कुल अच्छे से झाग वाली। और उसके बाद हमको थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था, घर का भी कुछ लेना था सामान, तो हम लोग निकल पड़े शॉपिंग करने। तो ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं वो भी हमारी एक तरह से शॉपिंग ही होती है बिकॉज़ उसमें हम तीनों लोग जाते हैं। पहले तो श्री अकेले जाते थे लेकिन फिर लगा कि ना हम लोग एक तरह से सब लोग साथ में मिलकर जाएंगे तो एक तरह से आउटिंग भी हो जाती है हम तीनों की। कहाँ से ढूंढ लिया मम्मा को?
और प्रशु तो खूब खैर एंजॉय करती है हर चीज़। तो हम लोग चले गए फिर शॉपिंग करने, और प्रशु देखिए यहाँ पे ऐसे भाग भाग के, वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छी बच्ची है। पता है वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि यार ये इतनी छोटी सी है, लेकिन कुछ भी ये सामान गिरा नहीं रही है। इवन ये कुछ टच कर रही थी ना, गलती से कोई पैकेट नीचे गिर जा रहा था, तो उसको उठा के ये वापस रैक में रख रही थी। ये देख कर ना वहाँ पर सब लोग उसे इतना प्रेस कर रहे थे और बता रहे थे यार कि उनके बच्चे तो ना इतने क्या क्या करते हैं। तो टचवुड हमारी प्रशु इस मामले में बहुत समझदार है। वैसे बदमाशी रहती है पर बहुत ही क्यूट वाली बदमाशियाँ होती हैं उसकी। तो यहाँ से हमने जल्दी जल्दी बहुत सारा सामान खरीद लिया, क्योंकि आज मुझे इवनिंग में भी एक हमारी मीटिंग है, तो मुझे इवनिंग में भी जाना है लेडीज़ मीटिंग में। तो अभी बस ये करते हैं और उसके बाद लास्ट रात का प्रिपरेशन भी करना है कि खाने में क्या बनाते हैं, डिनर का भी सोचना है। तो बस जल्दी से ये सामान खरीदते हैं और फिर उसके बाद हम लोग घर निकलते हैं। वेरी गुड। क्लैप। वेरी गुड। तो हम लोग आ गए वापस, और वापस आते ही श्रीश और प्रशु दोनों लग गए हैं टीवी देखने में, और मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने। जल्दी से चाय बनाते हैं, पापड़ी निकालते हैं, क्योंकि मुझे ना चाय और कुछ साथ में खाने का स्नैक्स होना, उसके बाद ही टीवी देखने में मज़ा आता है। तो बस जल्दी से तैयारी कर लेते हैं चाय की, पापड़ी, एंड देन पहुँचते हैं टीवी देखने। वेल, किचन में आते ही प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग में डोसा बनाए थे उसका थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उसके पनियारम बना लेते हैं। और उसमें मैंने चीज़ ऐड करके चीज़ पनियारम बनाने का सोच रही हूँ, और साथ में एक ग्राउंडनट की चटनी बना लेते हैं। तो बस ये पीनट्स को मैंने फ्राई कर लिया है, और उसमें एक टोमेटो, 1/3 अनियन और थोड़ी सी मिंट लीव्स डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसमें अभी हम करी पत्ता और जीरे का तड़का लगा देंगे, और ये हमारे पनियारम भी रेडी है। वही डोसा बैटर को मैंने डाल दिया और उसमें बीच बीच में चीज़ की स्टफिंग कर दी। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हमारे पनियारम बस रेडी हो गए हैं और चटनी भी रेडी है। अब जाते हैं हम लोग चाय के साथ, गर्मा गर्म इसको एंजॉय करते हैं, और उसके बाद मैं जाऊंगी टेरेस पे प्लांट्स में पानी देने। ये देखिए आज कितने अच्छे फूल खिले हैं। अभी शाम के 5:30 हो गया है, जल्दी से इनमें पानी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है उसके बाद पूजा करके। शाम को मीटिंग है जो मुझे 6:30 वहाँ पहुँचना है, तो जल्दी से पूजा कर देते हैं। और देखिए 6:35 हो गया है, अभी निकलते, क्योंकि मैंने सोचा था कि मीटिंग 6:30 है, लेकिन अच्छा हुआ कि मीटिंग का टाइम चेंज हो गया, अदरवाइज़ मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाती, आज बहुत बिजी डे है। तो अभी हमारा जो मीटिंग का टाइम है वो 7:15 को हो गया है, तो और अभी 6:45 हुआ है, तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। मुझे तो लगता है मैं इनफैक्ट जल्दी पहुंच जाऊंगी, क्योंकि लेट पहुंचना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान जी भी ना हमेशा हेल्प करते हैं, कभी मैं लेट हो रही होती हूँ तो वो चीज़ ना टाइम ही चेंज हो जाता है। तो उसी तरह बस अब मैं जा रही हूँ, और प्रेशु को मैंने श्री के पास छोड़ा है। अब आज ना श्री की लकली अच्छा है कि आज श्री की छुट्टी है, आज संडे का दिन है, तो मेरे साथ भी ना मुझे भी काफ़ी हेल्प मिल जा रही है, अदरवाइज़ फिर प्रेशु को लेकर आना पड़ता है। प्रेशु वैसे तंग नहीं करती है, लेकिन हाँ जब मैं फिर मीटिंग हो सब में थोड़ा सा मुझे प्रेशु पे तो ऑब्वियस कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ता है। तो ये मीटिंग की सारी तैयारी हो रही है, ये फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए बने, और फिर मैंने सोचा अभी कोई आया नहीं था, मैं ही सबसे जल्दी पहुंच गई थी, तो मैंने सोचा एक बार वीडियो कॉल करके देखें कि प्रेशु क्या कर रही है। तो श्री प्रेशु को पार्क ले गए, और प्रेशु वहाँ पे खूब अच्छे, हमारे पार्क में ना वहाँ पे थोड़े से रैबिट्स और डग्स भी है, तो बस प्रेशु उन्हीं को देख के खूब इंजॉय कर रही थी, मज़े ले रही थी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आराम से अपनी मीटिंग अटेंड करती हूँ। और फिर आज मैं वही सोच रही थी अभी जाके डिनर में क्या बनाती हूँ, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि डिनर में क्या बनाया जाए। और बस अब जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने, और आपसे मिलते हैं मीटिंग के बाद में। और देखिए अभी कोई आया नहीं है, मैं सबसे पहले पहुंच गई हूँ। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे मीटिंग के बाद में घर पर। तो हम आ गए घर, और ये फर्स्ट टाइम है जो प्रेशु को अलग अकेले छोड़ के गई हूँ मैं, तो देखते हैं प्रेशु क्या कर रही है।
और हम लोग वापस आ गए हैं घर। इट्स अबाउट 9:30 PM और देखते हैं प्रेशु और उसके पापा क्या कर रहे हैं। प्रेशु का पता नहीं लेकिन मैंने उसे बहुत मिस किया। प्रेशु, प्रेशु, शोना, शैया, आई बेबी यू आर टेकन बाथ। आजा मम्मा बच। क्या दूधू? हाँ शूज, दिस इज स्लीपर्स। हाँ आजा मम्मा पास आजा। ओ शी इज नॉट बुच्चा। ओ पापा, अरे पापा इज इनसाइड, पापा इज इनसाइड इन द रूम। और जाते टाइम ना सारे प्लांट्स में मैं पानी नहीं डाल पाई थी क्योंकि लेट हो रहा था, तो बचे हुए प्लांट्स में पानी डाल देते हैं। और प्रेशु और प्रेशु के पापा वो लोग भी टेरेस पे आ गए हैं। प्रेशु खूब बातें कर रही है, मून देख रही है। थोड़ा एक फैमिली टाइम हो जाता है, थोड़ी देर टेरेस पे हो जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो ये हमारा मी टाइम चल रहा है और इसके बाद मैं जल्दी से जाऊँगी और अंदर डिनर का प्रिपरेशन करते हैं। प्रेशु क्या? कह रही है बाहर चलो। प्रेशु, प्रेशु कहाँ गया? तो अभी जब मार्केट गए थे हम लोग आफ्टरनून में, वहाँ पे मुझे फ्रेश मेथी लीव्स मिल गई, तो मैंने सोचा चलिए उसी के पराठे बना लें। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया, ये मल्टीग्रेन आटा है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है और मेथी, मेथी को पतला पतला काट लिया है और साथ में मैं इसमें मूली भी मिला रही हूँ। मैंने यहाँ दो मूली ली हैं, उनको ग्रेट कर दिया है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट डाला था और थोड़ा काला नमक। काला नमक का भी एक अलग ही स्वाद आता है। और इसके बाद हम इसमें, इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, मोइन नहीं डालेंगे, ऐसे ही आटा अच्छे से करेंगे। आटे को अच्छे से मसल मसल के गूंदेंगे और इसका जो आटा है ना ये हल्का सा गीला मारेंगे, हम लोग सूखा नहीं करेंगे, इसके हम लोग पराठे बनाएंगे। और पानी ना इसमें थोड़ा संभल संभल कर डालिएगा क्योंकि मूली वो भी पानी छोड़ती है। खूब अच्छे से गूंद कर इसका, जितना अच्छे से आप डो बनाएंगे ना पराठे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। और जब ये पूरा बन गया, अच्छे से मर गया, उसके बाद हम इसमें एक चम्मच ऑयल लगा देंगे जिससे ये आटा अच्छे से चिकना हो जाए, जो हाथों में चिपक रहा था ना वो नहीं चिपकेगा। और इसको रेस्ट करने के लिए हम करीब 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। और तब तक चलिए रायता बना लेते हैं। रायता के लिए मैंने दही लिया है और थोड़ी सी मूली और हरा धनिया। आज तो ना मार्केट में सब कुछ फ्रेश मिल गया था हमको। और उसमें मैंने एक बड़ा अनियन कट करके, बारीक कटा हुआ अनियन डाल दिया है। और इसमें भी काला नमक, काला नमक आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं काला नमक ही मोस्टली यूज़ कर रही हूँ। बस ये डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए और हमारा रायता तैयार है। और इसके साथ मैंने धनिया, पुदीना और कच्चे आम की चटनी भी बनाई है। कच्चा आम थोड़ा ही था तो मैंने उसमें अमचूर पाउडर मिला दिया और हरी मिर्च, ये चारों मिक्स करके बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनी थी। और बस उसके बाद पराठे सेक लेते हैं। और पराठों को ना मैं कभी भी रिफाइंड ऑयल में नहीं सेकती, एक तो उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, ऊपर से वो बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं। तो या तो देसी घी या बटर, अभी मेरे पास बहुत सारा बटर इकट्ठा हो गया था तो आज के पराठे मैंने बटर में सेके हैं। ये पराठे खाने में जितने हेल्दी होते हैं ना उतने ही टेस्टी भी होते हैं, तो ये पराठे मुझको तो बहुत पसंद है, श्री को भी पसंद है। तो ये हमारा यहाँ पे खाना रेडी हो गया है, पराठे साथ में रायता, आम की खट्टी चटनी, खट्टी हल्की सी मीठी है और नमक दोनों डाला है मैंने, हल्की सी खट्टी मीठी चटनी और मक्खन। और साथ में ये रहे हमारे स्पेशल पराठे।
मक्खन के साथ। तो ये हमारा खाना रेडी है और ये प्रेशु है। प्रेशु प्रेशु दिखाएं जरा मुइया, क्या हुआ प्रेशु, फैल गया, दिखाओ। और ये प्रेशु खाने में रायता लगी, प्रेशु का फेवरेट। आज तो इतने टायर्ड है ना कि खाना भी हम लोग बेडरूम में खा रहे हैं। अभी रात के बजे हैं 11:30, अब हम खाना खाते हैं। आपसे मिलेंगे अब कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।